Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Kharna Girls Degree College, University of Allahabad. And we are nowadays discussing topics under the theme of qualitative research methodology. Earlier we have discussed positivist versus naturalistic paradigm, and today I am going to discuss evaluative criteria in qualitative research. Okay, and the lecture will be in bilingual in mode and will be very useful for your research purposes and various other competitive examinations too. So do subscribe my channel too. Let's start. First of all, सबसे पहले सबसे जरूरी बात क्या? जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वांटिटेटिव रिसर्च से कंपैरिजन होता है, या वो लोग जो पॉजिटिविस्ट स्कूल को मानने वाले हैं, जो क्वांटिटेटिव बेंट ऑफ माइंड है जिनका रिसर्च में, वो कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च चूंकि आपकी सिस्टमेटिक नहीं है, आपकी प्री प्लान्ड नहीं है, कुछ आपने पहले से तय नहीं कर रखा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जनरलाइज नहीं हो सकती है, आप इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कंट्रोल नहीं करते हैं किसी चीज़ को, तो ये रिसर्च ही नहीं है, इसमें अनुसंधान नहीं है. जब आप इसका मतलब आज पॉपुलेशन पे इसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, इस तरीके के इस पे यू कैन से कि मतलब क्रिटिक्स इसकी कमियां निकालते हैं. तो कहा गया या सोचा गया या जाना गया, खोजने की प्रयास किया गया कि कैसे क्वालिटेटिव रिसर्च का क्राइटेरिया सेट किया जाए कि हम इसको भी इवेल्युएट कर लें कि भाई ये बढ़िया रिसर्च है. क्वांटिटेटिव में तो हम बता देते हैं रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसके नॉर्म सेट हैं, तो ये बढ़िया रिसर्च है. लेकिन इवेल्युएटिव क्वालिटेटिव में क्या किया जाए? तो लिंकन गूबा, जिन्होंने नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पर अपनी किताब लिखी और बहुत सारा काम उन्होंने उस पर किया है, उन्होंने हमको कुछ टर्म्स बताए हैं ऑल्टरनेटिव, कि आप इनको तय कर लीजिए तो आप भी कह सकते हैं कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च बढ़िया रिसर्च है. तो देखते हैं. फॉर द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ऑफ इंक्वायरी, द एक्सियोमेटिक अजम्पशंस कॉल फॉर कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है. क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम कॉज इफेक्ट ढूंढते हैं. कॉज इफेक्ट मतलब किसके कारण से किस पर प्रभाव पड़ रहा है. ये तो देखते हैं ना, दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं आपके पास, जो चर हैं, एक चर का दूसरे पर क्या प्रभाव है, सो दैट हम क्या कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें, नियंत्रण कर सकें और सामान्यीकरण कर सकें अपने रिजल्ट्स का. तो टू क्वालिफाई एज ए डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी, तो अगर हम चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी में क्वालिफाई कर जाएं, तो क्या होगा? पॉजिटिविस्ट पैराडाइम रिक्वायर्स एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दी. तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को जरूरत होती है किसकी किसकी? इंटरनल वैलिडिटी की, इट्स एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी मतलब कितना आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब जनरलाइजेबिलिटी. फिर कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी. और इन इट्स न्यूट्रैलिटी, मतलब न्यूट्रैलिटी मतलब हम उदासीन हैं, हमारा स्व, हमारा सेल्फ, हमारे इमोशंस, हमारा कुछ भी रिजल्ट को और रिसर्च को बायस नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये हो गई ऑब्जेक्टिविटी. तो ये चार क्राइटेरिया हैं, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी जिसको जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, जो तय करते हैं कि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की रिसर्च कितनी बढ़िया रिसर्च है. तो दीज फोर वेल नोन क्राइटेरिया फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिस फॉर टेस्टिंग द रिगर ऑफ इंक्वायरी इन दीज पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम. तो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या करे? नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज ए डिसिप्लिन इंक्वायरी थ्रू इन दो इन दिस केस इट्स अंडरपिनिंग अजम्पशंस कॉल फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया. इसको भी आप कह सकते हैं कि ये डिसिप्लिन इंक्वायरी है, ये भी एक बढ़िया रिसर्च हो सकती है अगर ये डिफरेंट क्राइटेरिया फुलफिल करे ना, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही दूसरा है, हमारा गोल ही दूसरा है. तो इन्होंने फोर एनालॉग्स बताए कि इन्होंने लिंकन गूबा ने टू पॉजिटिविस्ट क्राइटेरिया, कि हम इसके समतुल्य क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के समतुल्य क्वालिटेटिव में क्या सेट कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, है ना, तो उसके लिए टर्म दिया क्रेडिबिलिटी, कि कितना क्रेडिबल है आपकी रिसर्च. फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है जनरलाइजेबिलिटी, उसके लिए इन्होंने टर्म दिया ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि रिसर्च कितना सिमिलर कंडीशन में या सिमिलर सिचुएशन में ट्रांसफर की जा सकती है. डिपेंडेबिलिटी का, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सोर्स, तो यानी कि कितना डिपेंड कर सकते हैं आप अपनी रिसर्च के आउटकम पे. तो रिलायबिलिटी के समतुल्य टर्म दिया गया डिपेंडेबिलिटी, और ऑब्जेक्टिविटी के समतुल्य दिया गया कन्फर्मेबिलिटी. तो ये चार इन्होंने शब्द हमको नामकरण दिए. These four analogs constitute the criteria of trustworthiness parallel to the term rigor in the positivist sense. मतलब कि positivist sense के समतुल्य naturalistic sense में आप credibility, transferability, dependability और confirmability की बात कर सकते हैं, ऐसा लिंकन गूबा ने हमको बताया.
और क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि इन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब हम ये एस्टैब्लिश कर सकें कि हमारी रिसर्च ट्रस्टवर्दी है, आप इसको बेकार नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि कुछ भी लिख के ले आए हैं हम। लिंकन एंड गुबा क्रिएटेड स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, उन्होंने भी इसके क्राइटेरिया सेट किए और उसके नाम वही दिए, हम लोग बता चुके हैं, क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, कन्फर्मेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। दिस इज रिफर्ड टू इन दिस आर्टिकल एज द फोर डायमेंशन क्राइटेरिया, इन्होंने इसको फोर डायमेंशन क्राइटेरिया का नाम दिया। और ट्रस्टवर्दीनेस इज अचीव्ड बाई, वो कह रहे हैं कि हम ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं अपनी रिसर्च को अगर हम क्रेडिबल, डिपेंडेबल, कंफर्मेबल और ट्रांसफरेबल उसको बना लें तो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वैलिडेशन, वो वैलिडिटी का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव नहीं है हमारी रिसर्च, वो कह रहे हैं कि दे क्लासिफाइड दीज क्राइटेरिया इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया, वो इसको प्राइमरी सेकेंडरी में बांट देते हैं। कैसे? क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि आर द रिजल्ट्स एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मीनिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट से बात करने जा रहे हैं, हम उनकी मीनिंग उनसे निकलवाने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या रिजल्ट जो है वो जो पार्टिसिपेंट की मीनिंग है उसका एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका क्रेडिबल है, रिसर्च आपकी क्रेडिबल है। ऑथेंटिसिटी, आर डिफरेंट वॉइसेस हर्ड, क्या सभी आवाजें सुनी गई, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक आवाज यानी कि एक पार्टिसिपेंट दूसरे पर हावी हो गया या रिसर्चर सब्जेक्ट पर हावी हो गया, तो ऑथेंटिक है कि नहीं। क्रिटिकलिटी, इज देयर ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च, क्या सभी पक्षों का क्रिटिकल अप्रेजल किया गया है या नहीं किया गया है। और इंटीग्रिटी, आर द इन्वेस्टिगेटर सेल्फ क्रिटिकल, मतलब हम क्या सेल्फ क्रिटिकल है, हमने अपनी इंटीग्रिटी पर ध्यान दिया कि नहीं, हम ही हर जगह इम्पोज करते चले गए अपने व्यूज। ओके, फिर अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी हमको मिल गई ना, इंटरनल वैलिडिटी जो कि ट्रूथफुलनेस है, इंटरनल वैलिडिटी जो कि ट्रूथफुलनेस है उसके लिए टर्म दिया गया है क्रेडिबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी जो कि जनरलाइजेबिलिटी है उसके लिए टर्म है ट्रांसफरेबिलिटी, रिलायबिलिटी जो कि विश्वसनीयता है उसके लिए टर्म है डिपेंडेबिलिटी, और ऑब्जेक्टिविटी के लिए टर्म है कन्फर्मेबिलिटी। तो ये याद रखना है, ये क्या है, ट्रेडिशनल क्राइटेरिया फॉर जजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को जज करने का ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च को जज करने के लिए ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया दिए गए, आप हमारी क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए, ट्रांसफरेबिलिटी चेक कर लीजिए, डिपेंडेबिलिटी चेक कर लीजिए, कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लीजिए, और हमारी रिसर्च को ट्रस्टवर्दी करार करिए। ये नहीं कह सकते हैं आप कि हमने रिसर्च नहीं की है या हमने उसमें कुछ निकाला नहीं, आउटकम नहीं है, कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है। ओके, फिर देयर मीनिंग्स, क्या मतलब है इनके, क्रेसवेल एंड फोर्थ ने 2013 में हमको बताया, वही क्रेडिबिलिटी का मतलब कॉन्फिडेंस इन ट्रूथ ऑफ द फाइंडिंग्स, यानी कि जो निकल के आया उसमें हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, यही क्रेडिबिलिटी या इंटरनल वैलिडिटी या ट्रूथफुलनेस है। ट्रांसफरेबिलिटी, शोइंग दैट द फाइंडिंग्स हैव एप्लीकेबिलिटी इन अदर कॉन्टेक्स्ट, है ना, यही क्या है, एक्सटर्नल क्राइटेरिया, एक्सटर्नल वैलिडिटी है या जनरलाइजेबिलिटी है। ये क्या कह रहा है कि जो फाइंडिंग्स निकल के आई है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे संदर्भ में आप इसको कितना अनुप्रयोग इसका कर सकते हैं। फिर डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या है, रिलायबिलिटी, शोइंग दैट द फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट एंड कुड बी रिपीटेड, मतलब फाइंडिंग लगभग कंसिस्टेंट आ रही है, आप उसको रिपीट करा जा सकता है, तो ये क्या है, डिपेंडेबिलिटी है। और कन्फर्मेबिलिटी क्या है, डिग्री ऑफ न्यूट्रलिटी और द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी आर शेप्ड बाय रेस्पोंडेंट्स एंड नॉट रिसर्चर बायस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। देखिए, ये बड़ा एक बहुत ही एक डेलिकेट बैलेंसिंग होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि रिसर्चर के बायस को नहीं भी आना है और रिसर्चर को उसमें इंक्लूड होना भी है, रिसर्चर पूरी तरह से डिटैच नहीं रह सकता और ना ही रिसर्चर को अपने व्यूज को इम्पोज करना है। तो ये कन्फर्मेबिलिटी है, जिसके समतुल्य क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी। द कंसेप्ट ऑफ कन्फर्मेबिलिटी इज द क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेटर्स कंपेरेबल कंसर्न टू ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि किसके समतुल्य क्या टर्म दिया गया, किस टर्म का क्या मायने है। फिर कैसे हम इस्टैब्लिश करें, कैसे हम क्रेडिबिलिटी इस्टैब्लिश करें, कैसे डिपेंडेबिलिटी, कैसे कन्फर्मेबिलिटी और कैसे ट्रांसफरेबिलिटी, उसके लिए टेक्निक्स बताई गई हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च क्रेडिबल हो जाए, मतलब हमको ट्रूथफुलनेस, मतलब जो फाइंडिंग है उसमें हमको बिलीफ हो जाए, तो क्या किया जाए, प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट, पहला इन्होंने टेक्निक बताया, यानी कि ऐसा नहीं कि बस गए और बात की और निकल आए, तब आपको सही बात नहीं पता चलेगी। प्रोलॉन्ग, ये लंबे समय तक आपको इंगेज रहना है, बार बार जुड़ना है, जाके बार बार पूछना है, नेगोशिएटेड आउटकम होता है, मेंबर चेकिंग होती है, बार बार आपसे आपको एनालिसिस करना है, डेटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, डेटा कलेक्ट करना है, ये बार बार ये उत्क्रम, मतलब दोनों साइड चल रही है ये रिएक्शन। फिर परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन का भी लगभग वही मतलब है कि लगातार आपको प्रेक्षण करना है, तब आपको पता चलेगा कि प्रेक्षण आपने सही किया कि नहीं। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बस आप इंटरव्यू की और निकल आए, आप उनसे कुछ उनके ट्रांसक्रिप्ट लिखवा लीजिए, आप उनका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर लीजिए, आप उनको नॉन पार्टिसिपेंट भी ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, आप उनसे फोकस ग्रुप डिस्कशन का भी हिस्सा बना लीजिए, मतलब हम कई तरीके की मेथडोलॉजी, कई तरीके की डेटा कलेक्शन मेथड उन पे इस्तेमाल करेंगे, तब हमको हमको बिलीफ होगा, हमको ये फेथ आएगा कि जो हमने निकाल के लाए हैं वो सही है।
तो ये ट्रायंगुलेशन है। पीयर डीब्रीफिंग क्या है कि हम डीब्रीफ करेंगे अपने रिजल्ट को, अपनी एनालिसिस को, अपने डेटा कलेक्शन को, किसके संग? एक पीयर ग्रुप के संग जो उस रिसर्च का हिस्सा ना हो। नहीं होगा उस रिसर्च का हिस्सा तो वो उसको एक अलग ऑब्जेक्टिव तरीके से देखेगा, क्योंकि हम बार बार उसी में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम नहीं चाहते हुए भी हमारा बायस आने लगता है, जिसको कि कन्फर्मेबिलिटी और कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। ओके, फिर नेगेटिव केस एनालिसिस। मान लीजिए कि हमने 10 लोगों से बातचीत की, 9 लोगों के व्यूज लगभग एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन 10वां जो केस है उसका व्यू सबसे मतलब डिफर कर रहा है, तो हमको उस केस की एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। बल्कि जो रिसर्चर है वो उस तलाश में रहता है कि हमें डिफरेंट व्यू मिले। ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है कि 10 में से 9 एक जैसे हैं तो माध्य निकाल लें और उसको ले लें और उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। ओके, देन मेंबर चेकिंग। मेंबर चेकिंग को पार्टिसिपेंट वैलिडेशन भी कहते हैं, रेस्पॉन्डेंट वैलिडेशन भी कहते हैं, यानी कि हमने मेंबर से बात की, हमने डेटा एनालिसिस की, हमने रिपोर्ट लिखी, हम फिर मेंबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने पूछते हैं कि जो आपने हमको डेटा दिया था, जो आपने हमसे बातचीत की थी, उसका यही अर्थ था आपका या उसका कोई और मायने था? तो यानी कि रेस्पॉन्डेंट से वैलिडेट कराया जाता है, पार्टिसिपेंट से वैलिडेट कराया जाता है। तो इतना अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको फेथ, बिलीव और ट्रूथफुलनेस हमारी फाइंडिंग में मिल जाएगा। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी की टेक्निक। क्या है? यानी कि दूसरे सिमिलर सिचुएशन में आप अपनी रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। थिक डिस्क्रिप्शन, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उतना लिखना है, कोई पक्ष छूटना नहीं चाहिए। टर्म वॉज इन्वेंटेड बाई सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट गिलबर्ट रायल एंड क्लिफोर्ड गिड्स। इन्होंने, इनके द्वारा दिया गया टर्म है, और उसका मतलब क्या है? द गोल इज नॉट जस्ट टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन। हमको सिर्फ एक सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, बट ऑल्सो एड डिटेल्स। हमको उसमें सारी तरीके की डिटेलिंग एड करनी है, सो दैट रीडर्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स कल्चरल मीनिंग्स अंडरपिनिंग एनी ऑब्जर्वेबल सिनेरियो। ताकि जो रीडर है, जो लेमैन है, जो पढ़ने वाले हैं, उनको पूरा सिनेरियो पूरी तरीके से समझ में आए। तो डिस्क्रिप्शन इज मस्ट बी ऑलवेज थिक सो दैट इट कैन बी ट्रांसफरेबल टू अदर सिचुएशंस टू। फिर डिपेंडेबिलिटी, हम कैसे ये मान के चलें कि ये कंसिस्टेंट हो सकता है, हम इस पर रिलायबल कर सकते हैं। इंक्वायरी ऑडिट, इट इन्वॉल्व्स हैविंग ए रिसर्चर आउटसाइड ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस एग्जामिन द प्रोसेसेस ऑफ डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस इन द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च और स्टडी। हमको क्या करना है? दूसरे रिसर्चर से डिस्कस करना है। ये कुछ कुछ पीयर डीब्रीफिंग की तरह है कि इंक्वायरी ऑडिट, हमने जो इंक्वायर करके लाया है उसकी ऑडिटिंग कराएं कि क्या हमने ठीक किया कि नहीं। तो दूसरा जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस और रिजल्ट का उसको हिस्सा बनाएगी, तो समझ में आएगा कहीं गलती कर रहे हैं क्या। ओके, देन टेक्निक्स फॉर एस्टैब्लिशिंग कन्फर्मेबिलिटी। कन्फर्मेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, कैसे हमको लगे कि ऑब्जेक्टिवली हमने इसको रिसीव किया है, प्राप्त किया है। तो कन्फर्मेबिलिटी ऑडिट, यानी कि दूसरे से भी कन्फर्म कराएं कि ठीक है कि नहीं। ऑडिट ट्रायल, मतलब ट्रांसपेरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च टेस्ट। हम जैसे जैसे करने गए उसका एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ के समझ सके। ट्रायंगुलेशन का फिर वही मतलब है कि हमको कई मेथड्स डेटा कलेक्शन के, डेटा एनालिसिस के हमको इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि अगर एक से कुछ छूट रहा है तो दूसरे से कवर अप हो जाए। और रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि हमको अपने बायस को इंक्लूड भी करना है और अपने बायस को डिटैच भी करना है रिसर्च प्रोसेस से। और हमको ये मान के चलना है कि रिसर्चर कांट बी ऑब्जेक्टिव इन क्वालिटेटिव रिसर्च। वो सब्जेक्टिव होगा ही होगा, उसका सेल्फ आएगा, तो उसका हमको एक्सेप्टेंस भी चाहिए। इट रिक्वायर्स अ जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट रिसर्चर्स आर डायनेमिक पार्ट्स ऑफ द क्वालिटेटिव प्रोसेस एंड एक्टिवली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि हम जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल डिटैच रहना है और बस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लगा के रिसर्च कर देनी है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स हैं, हाउ टू एस्टैब्लिश ट्रस्टवर्थीनेस। बट एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? कि लोगों ने, मतलब क्रिटिक ने कहा कि आपने तो क्या किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च के समतुल्य एक पैरामीटर बना के दे दिया कि इसमें ये है तो इसमें ये, इसमें ये है तो इसमें ये, तो इसका मतलब कि दोनों मोर ऑर लेस सेम है, तो फिर आप अलग अलग अजम्पशन लेकर क्यों चल रहे हैं? है? ये भी बात निकल के आती है। फिर लिंकन एंड गुबा ने दूसरा क्राइटेरिया निकाला ऑथेंटिकेशन का, कि ठीक है हम बता ट्रस्टवर्थीनेस के ये पैरामीटर है, हमारी रिसर्च ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके लिए उन्होंने अलग पैरामीटर निकाले। वो कह रहे हैं फेयर होना चाहिए, ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एजुकेटिव ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, कैटालिटिक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और टैक्टिकल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब कि आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग, क्लेरिफाइंग एंड ऑनरिंग इन ए बैलेंस्ड वे द वेरियस मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस एंड वैल्यू पोजीशंस दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जितने तरीके के कंस्ट्रक्शन और वैल्यू पोजीशन बन सकते हैं उस रिसर्च में, वो सब आइडेंटिफाई करने हैं हमको, क्लेरिफाई करने हैं। इसका मतलब हमारी रिसर्च क्या हो जाएगी? फेयर। फिर ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन मतलब वेदर और नॉट देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमको एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, कुछ ना कुछ तो सुधार हम करना चाहते हैं ना, या सुधार करना है, तो जो इंडिविजुअल का या ग्रुप का जो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसमें कोई सुधार आया कि नहीं,
संसार के प्रति जो उसका एक्सपीरियंस है. एजुकेटिव ऑथेंटिकेशन का मतलब वेयर बाई पार्टिसिपेंट्स अचीव इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शंस विच सराउंड देम. इसमें पार्टिसिपेंट को ये प्राप्ति हुई कि नहीं, मतलब होनी चाहिए कि उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग की समझ उसको बढ़ी कि नहीं. फिर कैटालिटिक ऑथेंटिकेशन मतलब फैसिलिटेशन एंड सिमुलेशन ऑफ एक्शन, वो एक्शन स्टिमुलेट हुआ कि नहीं. टैक्टिकल ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एबिलिटी टू एक्चुअली एक्ट फॉर चेंज एंड टू बी एम्पावर्ड पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली, मतलब हम चेंज की तरफ गए कि नहीं, हम एम्पावर्ड हुए कि नहीं. मतलब अगर इतने क्राइटेरिया आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च फुलफिल कर रही है तो अकॉर्डिंग टू लिंकन एंड गुबा ऑथेंटिक है आपकी रिसर्च. ठीक है, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ी लड़ाई है कि कैसे क्वालिटेटिव रिसर्च को हम ट्रस्टवर्दी शो कर सकें, ऑथेंटिक शो कर सकें, हम कह सकें कि हमने रिसर्च ही की है. कोई ये ना कह सके कि आप बस ऐसे ही कुछ अपने मन से लिख कर ले आए हैं. ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.